हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सेफ्टी सॉल्यूशन, जहां पर आपको मिलता है कंप्लीट सेफ्टी सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। मैंने जैसे आपको पहले भी बताता हूं कि फायर रिलेटेड सेफ्टी या आपको एनवायरमेंट रिलेटेड सेफ्टी कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी वर्क आपको हमसे कराना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए चेक करिए और हमसे कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको कोई भी हमसे हेल्प या फिर आप कोई भी सर्विस हमसे लेना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है एसटीपी। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे आज एसटीपी की। एसटीपी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एसटीपी ईटीपी ये कहाँ लगता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या इसका लीगल रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट अलग है और लीगल रिक्वायरमेंट, जनरली दो चीज़ होती है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि हमें अंडरस्टूड करनी ही होती है, तो हम उसी को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एसटीपी की। तो व्हाट इज द एसटीपी? एसटीपी मींस स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये होता है एसटीपी की फुल फॉर्म, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। स्वेज मतलब गटर, स्वेज से मतलब समझता हूँ कि स्वेज में पानी जा रहा है, स्वेज में पानी आ रहा है, तो स्वेज मतलब गटर। तो हमारे जो गटर में पानी जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हम किसी घर में रह रहे हैं, अभी हम घर के एग्जाम्पल लेते हैं, घर के एग्जाम्पल से आई थिंक सबको समझ में आएगा। हम घर में रह रहे हैं, घर में क्या करते हैं, हम पानी का यूज़ करते हैं किचन में, बर्तन वॉश करने के लिए, खाना बनाने के लिए। हम अपना पानी का यूज़ करते हैं किसके लिए, कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम, ये सारी चीज़ जब हम मतलब पानी का यूज़ करते हैं। बट वो यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको क्या कहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं, नाली में। और वो नाली का पानी कहाँ जाता है, गटर में इकट्ठा होके कहीं तो जाता होगा। कभी सोचा किसी ने वो पानी जाता कहाँ है? कभी आप माइंड लगाना कि वो पानी जाता क्या है, उस पानी का करते क्या है? हमने उसको क्या किया, पोल्यूटेड कर दिया। उसमें जितना भी हमारे पास पोल्यूट कर सकते थे, मतलब उसमें हमने क्या साबुन मिक्स कर दी, कपड़े धो दिए, ठीक है, और कोई सब्जी वगैरह कुछ भी एक्स वाई जेड किसी ने पानी में बोतल डाल दी, किसी ने पन्नी डाल दी, अल्टीमेटली हमारा पूरा वाटर क्या क्रिएट हो गया, पोल्यूटेड हो गया पूरा का पूरा पानी। देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस पानी को ट्रीट करने का, उसी प्रोसेस को कहते हैं एसटीपी। ये एक प्रोसेस है एसटीपी, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, या प्रोसेस मतलब इसको प्रोसेस बोलते हैं। मतलब मैंने प्लांट इसलिए लिख दिया क्योंकि हम प्लांट्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो जनरली वर्ड मुंह पे यही रहता है। तो स्वेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के प्लांट दोनों ऑप्शनल है। तो हम जो प्रोसेस हम करते हैं इस पानी को ट्रीट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीवेज के लिए, दो चीज होती है। कुछ पानी में फैक्ट्री से निकलता है जो पानी, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे के सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो उस टाइम ये प्रोसेस हमारा काम नहीं आता, उस टाइम हमारे लिए ईटीपी पे चला जाता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसमें हम ईटीपी पे काम करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ कहाँ का मेनली यूज होता है, जो हमारे होटल्स होती है, होटल्स में, या फिर हमारी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पर हम रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती है वहाँ पर, और कंपनियाज होती है जिसमें कोई भी फ्लैंड डिस्चार्ज नहीं होता, वहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाया जाता है। जनरली एसटीपी प्लांट वहीं पर लगाया जाता है। तो मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकली एक प्लांट विजिट कराऊंगा एसटीपी का, कि वो कैसे वर्क करता है, लेकिन थ्योरेटिकल मैं आपको बेसिक इसका एक बार इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं घर पे, कैसे हम पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं और क्या फिर उसके बाद पोल्यूटेड होने के बाद उस पानी का किया जाता है, कैसे वो ट्रीट किया जाता है। बट ये मत सोचना कि उस पानी को हम पी सकते हैं, पीने योग्य हम उसको नहीं बनाते, बट उसका हम कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसमें जो पोल्यूशन पोल्यूटेड जितना वाटर होता है उसकी मात्रा को कम करके उसको रीयूज कर सकते हैं। ये रीयूज का आप जैसे फ्लश हो गया या गार्डनिंग हो गया, इन सब में फ्रेश वाटर यूज ना करके हम इसी पानी को रीयूज करके रिसाइकलिंग के थ्रू, इस रिसाइकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको क्या रीयूज कर सकते हैं, किसी न किसी काम के लिए उसको रीयूज ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो सबसे पहले एक हमारा जो मैंने अभी आपको बताया एक टैंक होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टैंक लगा लो, इसमें पूरा जैसे होटल हो गया या हाउस हो गया या फिर आपकी कोई भी सोसाइटी हो गई, इस सब का एसटीपी में यहाँ एक टैंक बना दिया हमने, कॉमन टैंक बना दिया, जिसमें इसमें सभी का वेस्ट वाटर आके यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, सब का सब पानी यहाँ पर डाल रहे हैं सारे। तो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, इसको बोल देते हैं हम
वेस्ट वाटर कलेक्शन टैंक, कलेक्शन टैंक। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वेस्ट वाटर कलेक्शन टैंक, यहाँ पर जितना भी वेस्ट आया इस टैंक में, बेसिकली क्या होता है ये सारे इनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, टैंक बनाना कैसे है, ये आरसीसी का होगा या कैसा होगा वो तो देखो डिफाइन करते हैं जब हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट इसमें बेसिक छोटा सी समझाता हूँ, इसमें चैम्बर्स लगे होते हैं, एक चैम्बर होता है, चैम्बर का मतलब हमने पानी पानी आया, पानी में मिक्स क्या क्या पार्टिकल्स आएंगे, वो प्लास्टिक के बोतल भी आ सकती है, कांच भी आ सकता है, तो ये सारे चीज़ें हम पानी से हमें फर्स्ट स्टेज पे ही क्या है रिमूव करनी होती है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग चैम्बर लगा होता है, मतलब स्क्रीन चैम्बर हिंदी में समझाऊँ तो एक जाली लगी होती है, जाली लगाते हैं, देखना नालियों में भी जाली लगाते हैं ताकि हमारा पास सिर्फ पानी पानी आए, पन्नी वगैरह वो क्या है वो जाली में ही रुक जाए ताकि प्रोसेस करने में आसानी रहे। जितना हमें पानी यहाँ से इनऑर्गेनिक जितना भी सॉरी डिकम्पोज वाले जो मटेरियल्स हैं पार्टिकल्स हैं जितने भी हम पहले ही रोक लेंगे जो, तो उससे क्या है प्रोसेस करने में ईजी रहता है, उसमें प्रोसेस करने में ईजी रहता है वो ज़्यादा, फिर क्या होता है कि उस पर जो हमारा प्लांट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जितना स्मूथ हम प्रोसेस, जितना पानी हम उसको अच्छा, जो वैल्यूज होती है नॉर्म्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर पानी जाना चाहिए, उस पानी को उतने ही प्रोसेस के लिए डाला जाए तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गए, इतना ही अच्छा ट्रीटेड पानी हमें देगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो पोल्यूशन के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि बात करें सीओडी होती है, बीओडी होती है, टीएसएस टोटल डिजोल्व और पीएच होता है, ये मतलब कुछ नॉर्म्स होते हैं पोल्यूशन के कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो वेस्ट है वो इस में फॉल करना चाहिए। यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती है जो कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने डिफाइन की होती है कि हमें इस वैल्यूज या इस स्पेसिफिकेशन का पानी ही ट्रीट करने की हमें परमिशन है, इससे ज़्यादा आगे अगर हमारा हमें इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा मिलते हैं तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट कुछ भी पनिशमेंट भी दे सकता है, जैसे पेनल्टी लगा दी एक्स वाई जेड जो भी है। तो अभी हम सिर्फ इसके चैप्टर की बात नहीं करेंगे कि आगे स्पेसिफिकेशन क्या है। देन इसके बाद यहाँ पर हमने लगा दिया दो पंप, जो कि दो पंप क्या कर रहे हैं हमारे पानी को वेस्ट वाटर कलेक्शन टैंक से भेज रहे हैं टैंक में, जिसका नाम है कोगुलेशन टैंक या फोगुलेशन टैंक, इसमें ये समझ लो पानी है। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस एसटीपी का, ये कलेक्शन टैंक हो गया, देन यहाँ पर एक एमएस का टैंक कंस्ट्रक्टेड होता है जो कि बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है प्रॉपरली कि हमें कितने पानी की कैपेसिटी का लिए भाई हमें ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 25 KLD मतलब 25 KLD मतलब 25,000 लीटर पर डे वो क्या करेगा पानी को ट्रीट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है पूरा एसटीपी डिजाइन करना पड़ता है कि हमारा कितना टैंक की डेप्थ रहेगी, विड्थ रहेगी, हाइट रहेगी, वो सारा डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की या किसी की भी जो कि हमारा एसटीपी इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना पानी ट्रीट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग बेस पे हमारा पूरा यार। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कोगुलेशन फोगुलेशन टैंक में एक क्या होता है पंप लगा होता है सर्कुलेशन, जैसे कि हम गांव में बात करते हैं हम दही नहीं बिलोते हैं ना, मतलब दही को मिक्सअप करते हैं, ग्राइंडर भी कह सकते हैं, तो इस टाइप का इसमें पंप लगाना पड़ता है ताकि इसमें हमें पीएसी की डोजिंग करनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है वाटर की क्वालिटी पे कि हमें किस चीज़ की डोजिंग करनी है, तो केमिकल्स अलग अलग आते हैं, तो फिर जनरली पोलोअमोनियम क्लोराइड की जो डोजिंग होती है वो इसके अंदर की जाती है ताकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं इसमें जैसे डिकम्पोजेबल पार्टिकल्स हैं उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि ग्रेविटी के थ्रू सेटल डाउन नहीं होते, वो अलग अलग भागते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी उसमें नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं अगर उसमें इसमें मीडिया या फिर अपने डोजिंग जो करते हैं उसमें मिक्स करने के बाद क्या होता है उसकी ग्रेविटी को क्या करते हैं जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी इंक्रीज करते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं और यहाँ से हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है, मतलब बेसिकली वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर वो मिक्सअप होने के बाद पानी पानी जाता है हमारा सेकेंड टैंक में, सेकेंड टैंक हो गया इससे पानी गया इसमें
इसको बोलते हैं ट्यूब सेटलर या प्राइमरी ट्यूब सेटलर भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी ट्यूब सेटलर। इसमें क्या होता है, जैसे पानी गया, पानी जाने के बाद इसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड, यहां पर जो स्लज है वो नीचे बैठ जाती है, जो यहां पर मिक्सअप करी हमने, जो हमने बताया मैंने आपको, पानी ट्रांसफर हो गया बीच में, ऊपर स्कम मतलब ऊपर भी एक लेयर बन जाएगी, ऊपर भी स्लज चली जाएगी, जो हल्की स्लज होगी, जो हैवी स्लज होगी ग्रेविटी के थ्रू, वो क्या है सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, और बीच में क्या रह जाएगा हमारा, जो क्लीन पानी जो थोड़ा सा क्लीन हो चुका होगा वो बीच में रह जाएगा। फिर इसके बाद प्राइमरी ट्यूब सेंटर से वो पानी जाएगा हमारा डायरेक्टली तीसरे टैंक में, जो टैंक होगा जिसको बोलते हैं रिएक्टर टैंक भी बोल देते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज बताऊं तो इसको बोलते हैं एमबीबीआर टैंक। एमबीबीआर टैंक मतलब, एमबीबीआर का मतलब होता है मूविंग बेड बायो रिएक्टर। ये क्या होता है, मीडिया होता है, प्रोसेस होता है, उसमें मीडिया डाली जाती है, प्लास्टिक का मीडिया आता है, वो आपको प्रैक्टिकली एकदम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम जनरली बताऊंगा। इस टैंक में जाएंगे, इस टैंक में क्या होता है रिएक्टर, मूविंग बेड बायो रिएक्टर मतलब, मूविंग का मतलब बेड वो घूमते रहेंगे, रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें जो छोटे छोटे प्लास्टिक के, अगर आपको मेरे पास है नहीं दिखा था, तो वो उसमें डाल दिए जाते हैं, कल्चर होता है, और इसमें पानी में नीचे से एयर एयर डिफ्यूज की जाती है, एयर डिफ्यूजर होता है, नीचे एयर डिफ्यूजर लगाया जाएगा टैंक में, ताकि वो पानी को कंटिन्यू मिक्स करता रहे। मिक्स करेंगे तो जो इसमें ये हमारी मीडिया डली होगी, मीडिया डली होगी तो क्या होगा, वो रोटेट होती रहेगी, पानी को मिक्सअप करती रहेगी, कंटिन्यू मिक्सअप करती रहेगी, तो उसमें जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरिया जनरेट होते रहते हैं, तो इस जो हमारी मीडिया होती है, मीडिया के अंदर बैक्टीरिया रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद जो उनके लिए हमारे ऑर्गेनिक्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो इसके अंदर मिक्सअप होते हैं उनको वो खाते हैं, और उस खाने के उनको खाने के लिए जो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी और सीओडी दो चीज होती है, और एक होती है एमएलएसएस, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो ये क्या होते हैं, स्लज होती है बेसिकली, ज्यादा डीप नहीं जाते ये स्लज। तो ये तीन चीजें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ही वो क्या करेंगे, यहाँ पर एमबीबीआर में प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस होने के बाद जैसे कि उन्होंने जितना खाना, अपना खाना था मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जितना खाना था खा लिया, बाकी क्या होगा, हमको जो पार्टिकल्स है डिकम्पोज करने के लिए वो हमारे ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ऐड करके जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स को मिक्स करके उसको डिकम्पोज किया जाता है, और जितनी कम डिकम्पोज करेंगे क्या करेगा, इतना ही हमारे कोई चीज़ एक ईंट है, ईंट जितनी हैवी होगी तोड़ने में उतनी मुश्किल होगी, जितना छोटे 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 कण होंगे उतनी वो सेटल डाउन होगी, और इतने मिक्स होने के बाद वो स्लज भी हमारी मतलब खाने के लिए भी उनके हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है एमबीबीआर टैंक में, एमबीबीआर टैंक में, ये टैंक में प्रोसेस होने के बाद वो पानी ट्रांसफर हो जाता है सेकेंडरी ट्यूब सेटलर में, ये होता है सेकेंडरी ट्यूब सेटलर। इसमें ये हमेशा ये टैंक मिलेगा आपको कौन टाइप का, ये राउंड भी मिलता है, स्क्वायर भी मिलेगा, ये भी कौन टाइप मिलेगा, क्योंकि इसमें नीचे स्लज सेटल होती है, यहाँ पर स्लज सेटल होती है। तो यहां से जब इसमें सेम चीज है, यहाँ स्कम रहेगा ऊपर, बीच में पानी रहेगा क्लीन, नीचे क्या रहेगी स्लज सेटल हो जाएगी। नीचे स्लज सेटल होने के बाद इस स्लज को हम क्या करेंगे, इस स्लज को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, जो कि हमारा जैसे खाद कहते हैं हम खाद कहते हैं हिंदी में, तो स्लज जो भी उसको क्या करेंगे ड्राई करने के बाद, वीट आएगी ड्राई करने के बाद उसको हम अपने खेतों में भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे खेतों में यूज हो जाएगा, हम गमलों में पौधों में जितने भी गार्डनिंग है वहां पर भी हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद जब पानी जाता है बाहर, वो हमारे टैंक में क्लीन वाटर कलेक्शन टैंक जिसको कहते हैं, क्लीन वाटर कलेक्शन टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिसइंफेक्शन के लिए हमें इसमें डालनी पड़ेगी क्लोरीन की गोलियां, जिससे कि हमारा वाटर डिसइंफेक्शन हो जाएगा, और इस पानी को हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी रिसाइकलिंग प्रोसेस मतलब रीयूज के लिए, रीयूज इन द सेंस मैंने जैसे आपको बताया हमने गार्डनिंग के लिए, इरिगेशन के लिए हम कर सकते हैं, या फिर हम फ्लशिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा ऐसे किया जाता है स्टार्टिंग टू एंड। अब ये आपको अगर इसमें थोड़े से भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर इसमें प्रैक्टिकली आपको देखना है तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको एक प्लांट विजिट कराऊंगा कि ये कैसे होता है, बट जनरली ये आपको तभी समझ में आएगा
जब इसके बारे में डीपली आप पढ़ोगे। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा बेसिक समझाया कि ये प्रोसेस कैसे होता है, पानी कहाँ आता है, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, देन कौन सा प्रोसेस होता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, फिर लास्ट फाइनली पानी हमारा कहाँ जाता है। इसके बाद भी एडवांस सिस्टम है, इसके बाद हमें इसमें यूवी भी हम ऐड कर सकते हैं, यूवी के बाद यूएफबी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे एडवांस सिस्टम होता है, जितना भी पानी को फिल्ट्रेशन किया जाएगा इसमें, यहाँ के बाद वो फिल्टर्स लगे होते हैं, दो फिल्टर, एक होता है एक्टिव कार्बन फिल्टर, एक होता है सैंड फिल्टर, दो फिल्टर एमजीएफ और एसीएफ, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिव कार्बन फिल्टर, दो फिल्टर इसमें लगे होते हैं, वो यहाँ पर दो फिल्टर्स लगाए जाते हैं। फिल्टर्स का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिल्टर्स का काम एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि अगर आपने कभी देखा हो रिवर्स को देखना, जो स्टोन रिवर मतलब जो पहाड़ों वाली नदियां होती है, पत्थरों वाली नदियां होती है, उसमें पानी बहुत क्लीन मिलेगा, और जो आपकी सैंड वाली रिवर होगी उसका कलर देखना, आपको दोनों में डिफरेंस से ही समझ आ जाएगा। वो ही काम होता है इन दोनों मीडिया का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर डले होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं बताऊं मीडिया ही बोलते हैं, तो पेबल होता है, फाइन होता है, तो ये इसकी एक ग्रेड होती है कि किस साइज का कितना पेबल डलेगा। तो उसके बाद क्या होता है, पानी जैसे हम पत्थरों में क्या करते हैं, पानी को पत्थर से आप ऊपर से गुजारो, जितना पानी नीचे आता जाएगा उतना क्लीन होता चला जाएगा। तो ये तो बहुत डीपली हो गया टेक्निकल, बट मैं जनरली आपको बताऊँ सब पत्थर होते हैं। अगर मीडिया की बात करें कि भाई कहते हैं हमसे, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टूड करने की जरूरत है। कोई कहता है इसके अंदर मीडिया है, मीडिया है, तो अंडरस्टैंड करो उसके अंदर क्या है, समझने की कोशिश करो। वो हमारे उसमें जो ACF या MGF होते हैं उसमें डला होता है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है STP का, ये STP का प्रोसेस है। अगर किसी को भी STP इंस्टॉलेशन मैन्युफैक्चरिंग या कहीं पर करवाना है, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम करके देते हैं। आपको किसी को भी रिक्वायर्ड है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो या समझ भी आई हो थोड़ी बहुत, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, ताकि आप भी अपनी सोसाइटी में अगर आप कहीं रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको जाके पूछना चाहिए, सर हमारा पानी कहाँ ट्रीट हो रहा है, उस ट्रीटेड पानी का हम कर क्या रहे हैं। एटलीस्ट आपको भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम लोग करते क्या है, जो हम यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका पानी का, उसका रीयूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जनरल एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो जरूरी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्लांट विजिट कराएंगे जिसमें आपको पूरा कंप्लीट STP दिखाऊंगा आपको कि वो STP कैसे वर्क करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।